हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का दूसरा वीडियो जो आगे जहाँ तक किए थे उससे आगे 26 तक हम लोग कर चुके थे, तो 27 से आज फर्स्ट क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। यह किस राज्य में? सिंध, पंजाब, गुजरात, बहावलपुर। तो ये सिंध पाकिस्तान में, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण पुराने जमाने में दूसरा नगरीकरण के नाम से गंगे घाट मैदान, गंगे का मैदान जो है द्वितीय नगरीकरण के मैदान के रूप में हुआ था। बत्स का राज संबंध स्थित था। बत्स कहाँ स्थित है? ये बत्स जो है महाजनपद काल में इस तरीके के जिले के रूप में होते थे। तो बत्स इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को बत्स कहा जाता था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत एवं अमरावती कहाँ के या किस तरह के सुप्रसिद्ध केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म। तो किसके? बौद्ध धर्म के। इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुर्क वंश। तो आज सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। असली में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया, गुलामों का गुलाम। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया, 1210 तक शासन किया। इसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश जो इलवारी वंश का था वो 30 यानी कि 1536 तक शासन किया। आगे क्वेश्चन है, आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी का नगर निर्मित हुआ था। आगरा के निकट, आगरा यूपी में पड़ता है, फतेहपुर सिकरी को किसने निर्मित किया था? तो अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी निर्मित हुआ था। गुजरात विजय पर आगे कोस मीनार है, एक स्मारक मीनार, एक दूरी निर्धारक और आगे एक विश्राम घर, मस्जिद के निकट स्थित एक मीनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूरी निर्धारक। नेक्स्ट, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस काल में हुआ था जो है? तो किस काल में हुआ था? पहला ऑप्शन चोल काल, चालुक्य काल, पल्लव काल, सातवाहन काल। तो चालुक्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन किसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन किया हुआ है प्रतिफल था? मतलब द्वैध शासन जो है जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रतिफल था। ये 1919 में या 18 में, यही देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था 1886 में बंबई में, 1885 कलकत्ता में, 1885 बंबई में, 1886 दिल्ली में। तो भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षा संबंधित, सैनिकों के शिक्षा संबंधित के लिए
किया गया था वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, बंगाल में। पंजाब में इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लिखी गई किनके द्वारा लिखी गई? आर सी दत्त, रजनी पाम दत्त, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद यानी पश्चात बंगाल का एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। तो 1911 में बंगाल विभाजन हो गया था 1905 जिसमें करजन ने किया था, और 1911 में भारतीय के विरोध होने पर 1911 में जो है बंगाल फिर से एकीकृत हो गया, मतलब बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा अंग्रेजों को। नेक्स्ट केसरिया सुप्रसिद्ध है, केसरिया सुप्रसिद्ध है पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए, किससे संबंधित है? तो पाल सेन तक्षण कला के लिए। नेक्स्ट कुम्हरार स्थित, कुम्हरार स्थल संबंधित है, कहाँ संबंधित है, कहाँ से? पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजगीर से, कहाँ? ये सब क्या है, क्षेत्र है। तो आंसर, सही आंसर पाटलिपुत्र में। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिनका संबंध था, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महात्मा गांधी 1917 में आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर तिनकाठिया पट्टी, जिसमें नील की खेती अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती तरीके से करवाया जाता था, इसलिए राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। थाम्बे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज, सिवान, सारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 में पटना में जो फैक्ट्री था अंग्रेज का, उस पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है, अग्निवृत्त को किस संदर्भ से जाना जाता है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियां, तीसरा पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभि, पृथ्वी की मैग्मीय परत। तो इसका सही आंसर प्रशांत महासागर के नवीन वलय।